तो फाइनली यहाँ पे 2:30 बजे जो है एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, जो करोल बाग का चक्कर लग रहा है। आज फ्राइडे तो वहाँ जा रहे हैं, जिसमें कि हमें जो है पल्सर एनएस 200 के अंदर फ्रेंड वैली में एक क्रैश कार्ड जो है वो लगवाना है। तो आ गई क्लिप्स वगैरह ऐड करूँगा, लोग में बताऊँगा कैसे रहा, कितने का रहा, कहाँ से लगवाया। तो ये वाली एनएस है वो। तो अब जो हम पहुंच चुके हैं, जा रहे हैं करोल बाग की तरफ, और ये बैटरी वाली स्कूटी हमसे तेज चल रही है, एट द रेट 76 से आगे ऊपर टॉप स्पीड चल रही है उसकी। और रास्ते में जाते जाते जो है ना, और चीज़ों का पता लगता रहता है कि इलेक्ट्रिकल जो है ना वो इंडस्ट्री हमसे, मतलब फ्यूल वाली जो बाइक के कार्स वगैरह हैं, उनसे ज़्यादा जल्दी जो है अपना एस्टेब्लिश कर रही है। बाकी करोल बाग जाना है, करोल बाग जाके जो है क्रैश कार्ड लगवाते हैं, लाइटें लगवाने की सोच रहे हैं कि लाइटें भी लगवा लें, तो लाइट का जाके देखते हैं, अगर समझ आएगी, बजट में आएगी तो फिर जो है हम लगवा लेंगे। ये करोल बाग में एंट्री कर दी है हमने, गोल चक्कर लाइक ऑलवेज हमेशा की तरह वहीं जाम। पता नहीं यार, सारी दुनिया करोल बाग ही क्यों आती है हमारी तरह। अब यहाँ से जो है हमने जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल बुलेट स्टूडियो। बुलेट स्टूडियो की वीडियो वगैरह देख रखी है, जहाँ पे क्रैश गार्ड का क्या वैल्यू, कॉस्टिंग क्या है, डिज़ाइन कैसा है, वो देखा तो हुआ है, बट अभी जाके फिजिकली एक बार देखते हैं और आपको भी बताता हूँ कौन सा क्रैश गार्ड बेस्ट है। तो इन्होंने जो है अपनी यहाँ क्रैश गार्ड जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, जिनकी खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो निकाल के हमें दिखाया, जो इस एनएस पे लगना है अपनी पल्सर 200 NS 2017 मॉडल, इसके ऊपर ये वाला क्रैश गार्ड लगेगा। इसका डिज़ाइन यार थोड़ा सा ना जो है समझ नहीं आया, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बट अपनी एनएस पे कैसा लगता है वो हम लगा के जो है ना फिर आपको देखेंगे और फिर आपको दिखाएंगे भी। इसमें जैसे कि एक पेयर हो गया और ये 2 स्लाइडर वाला है गाइस, जिसकी कॉस्टिंग जो है वो हमें पड़ी है 2000 रुपीज़ की। फिटिंग चार्जेस जो है वो 200 रुपये की बात हुई है भाई से, कि 200 रुपये लेगा और फिटिंग जो है वो भी कर देगा ये, अगर नट बोल्ट कोई लगता है तो वो एक्स्ट्रा चार्जेबल रहेगा। जैसे कि ये चेक तो कर रहे हैं, कुछ करके दिखाएंगे आज, बाकी देखते हैं कैसा लगता है, डिज़ाइन कैसा पसंद आता है नहीं आता। जैसे वो है परेशान हो रहा है पीछे, वीडियोस वगैरह देख रहा है कि कोई और ऑप्शन हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो देखते हैं एक बार कि कैसी लुक आ रही है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, जैसे कि ये साइड से जो है ना ऐसा एंगल गोल सीधा इन्होंने स्ट्रेट दे दिया और ऐसा कुछ दिखेगा ये, बट मेरे को जो है ना समझ सा नहीं आ रहा कि फिटिंग भी प्रॉपर आ नहीं रही लग रही है। जैसे देखो यहाँ से ये वाला एंगल जो है ना ये बाहर है, वहाँ से ज़बरदस्ती की जा रही है थोड़ी सी, तो काफ़ी सिंपल सा ही है इसका डिज़ाइन ना, समझ से बाहर है थोड़ा सा। बाकी देखते हैं क्या समझ आता है, ये वाला लगवाते हैं या कोई और लगवाते हैं या कोई और ढूंढते हैं। फिर जो है पता लग रहा है कि इसमें लेफ़्ट साइड का जो बोल्ट है ना अपना लेगगार्ड वाला, सबसे ज़्यादा बुरी बात है बजाज में कि वो बोल्ट जो है ना वो लगते ही गिरते ही जो है ना सबसे पहले वो बोल्ट टूटता है। तो ये भाई ने हमें बोल्ट दिया है जो वेल्ड कराना है टूटे हुए पॉइंट पे, जहाँ से वो बोल्ट एज से टूटा हुआ है ना उसके ऊपर ही वेल्ड हो जाएगा। और साथ ही गली के अंदर जो है ना वेल्डिंग वाला भाई है अपना, तो उसका रास्ता पूछते पूछते पहुँच गए उसके पास। इनका नाम मनोज है और ये वेल्डिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनको हाथ में दिया है इन्होंने के बोल्ट हमने। हाय बस थोड़ी सी कारीगरी कम लग रही है, रॉड गिर गई यार। तो अब जो है ये थोड़ी सी चिंगारियाँ निकालेंगे, आग से खेलेंगे और ये बोल्ट जो है ना वो फिक्स कर देंगे। देखना फायर फायर मत कर देना यार, और कहीं आग लगा लो आप। तो उस डिजाइन का जो है ना समझ नहीं आया, तो फिर हम और निकल गए थोड़ा सा पूछने के लिए कहीं और हमें वो क्रैश गार्ड कुछ अलग डिजाइन मिल जाए। तो हम ढूंढते ढूंढते जो है वो पहुंचे राइडर्स अड्डा पे, पीछे आप बोर्ड देख सकते होगे, राइडर्स अड्डा पे हमें जो है समझ आया ये क्रैश गार्ड, जिसका डिज़ाइन थोड़ा यूनिक है।
सही लग रहा है दिखने में, बट ये डबल नहीं है, सिंगल स्लाइडर है गाइस। सिंगल स्लाइडर इन द सेंस के जैसे कि इसमें जो है ना ये स्लाइडर फोमिंग वाला, ये एक है, दोनों एक एक साइड एक मिलेंगे, उसमें दो थे, बट उसका यार डिज़ाइन नहीं समझ आया। ज़्यादा अच्छा जो है ना लुक एनहांस करे बाइक की, ये नहीं कि लुक जो है तुम सीधा वेल्डिंग के गाड़ी लगा दो, कि वेल्डिंग करी दो पाइप्स में और जोड़ के लगा दिया। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ी है वो पड़ी है हमें 1800 रुपये का लेग गार्ड है और 200 रुपये की फिटिंग है। उसका 2000 रुपये का लेग गार्ड था और 200 रुपये की उसकी फिटिंग थी, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये लाइटें लगनी है अपनी HJG की फोग लाइट्स, जिसकी कॉस्टिंग जो है वहाँ से भी कम पड़ी है, 2000 के अंदर जो है ना वो भी पड़ जाएगी। लाइट, लाइट के साथ जो स्विच लगता है वो भी भैया लगा के देंगे। फिटिंग एक्स्ट्रा, फिटिंग के 200 रुपीस और लगेंगे, जैसे कि ये लेग गार्ड पे लगेंगी। और रात को जो है ना रोशनी वो बहुत ही बढ़िया लगने वाली है, चानन चानन कर देंगी। बाकी लेग गार्ड तो लगा ही रहे हैं, इसके बाद आपको जो है ना वो लाइट की परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा गाइस, कि उसमें लाइट की फॉक्सिंग इफेक्ट या कैसे कितना रोशनी रहता है वो सारा आपको जो है ना, रात होता है थोड़ा सा अंधेरा पड़ता है। एलेंकी साथ में मिलती है लाइट के ना, इसको एडजस्ट करने के लिए दो एलेंकी मिलेंगी। फोग लाइट नीचे की तरफ लगा रहे हैं, बट इसमें दिक्कत क्या है कि नीचे से अगर कोई झटका वगैरह लगा ना तो ये चली ना जाए कहीं, इसलिए बाकी देखते हैं कहाँ एडजस्टमेंट बैठती है, नहीं तो खुद एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे जो है बाइक की लाइट्स बिल्कुल बंद है, अब हेडलाइट ऑन करेंगे सिर्फ। ब्रांड मेंशन किया जाए नाइट आई। ये नाइट आई, ये नाइट आई की परफॉर्मेंस है गाइस। अब नाइट आई ऑन है, साथ ही में जो है ये HJG फॉग लाइट्स, जी की फॉग लाइट्स। इसमें दो ऑप्शन है, एक येलो और एक जो है वाइट कलर। यार बताओ कैसी परफॉर्मेंस है, हमें तो बहुत बढ़िया लग रही है। ये वाइट का हाई बीम चलता है, लो बीम जो है वो फोग लाइट वाला येलो कलर में आ रहा है, हमें तो परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। अब नाइट आई बंद करना है, नाइट आई बंद कर दी, नाइट आई बंद है अब। हाँ। ये कंडीशन है गाइस, मतलब नाइट आई पता ही नहीं चल रही, तो कुल मिला के चानन चानन है।